जी ये देखिए, ये मैंने एक अपना होम प्लांटर बनाया है, हैंडमेड प्लांटर है ये। ये मैंने टावल और एक वाइट सीमेंट से बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लगता है। ये वेट में भी बिल्कुल हल्का है, छत पे वजन भी नहीं होता और अच्छा चल जाते हैं प्लांट्स इसमें। इसमें मेरा एक टमाटर का प्लांट निकला है, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है। ये कड़ी पत्ता है, अभी तो ये डोरमेंसी में है, अब इसमें प्लांट्स में ग्रोथ, नई ग्रोथ शुरू होने वाली है, दिख रही है कुछ कुछ। अभी जैसे ही धूप निकलनी शुरू हो जाएगी फरवरी में, इस पर अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, फिर मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हर जगह पे इसमें प्लांट फ्लावर्स निकलने वाले हैं। और मैं अपने बीज भी, जो मेरे बीज कंपोस्ट में, कंपोस्ट में बनाए जाते हैं, उसी मिट्टी से मेरा ये निकल जाता है। किचन कंपोस्ट मैं अपना घर में तैयार करती हूँ, मैं कोई खाद कभी बाज़ार से नहीं खरीदती, ना कोई बीज खरीदती हूँ ज़्यादातर। कभी मूली के बीज वगैरह तो भले ही ले आती हूँ मैं, पालक या मूली के, इसके अलावा मैं कोई सीड्स नहीं खरीदती। बाकी सारे सीड्स मेरे जो भी निकल आते हैं प्लांट्स, वो खुद ही निकलते हैं। करेले के मुझे जो बीज मिल जाते हैं मैं वही डाल देती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। करेला पका हुआ निकल जाता है कई बार, वही सीड्स में डाल के अपनी ग्रो कर लेती हूँ, और अच्छे अच्छे करेले मेरे निकले हैं मुझे। ये देखिए टमाटर की ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो गई है। मैं ख़रीदती नहीं हूँ क्योंकि मुझे शौक है लगाने का, तो उसमें घर में ही जो मुझे मिलता है मैं उसी से करती रहती हूँ। सीड्स क्या, प्लांट्स क्या, जो कटिंग मिल जाती है प्लांट्स की वो कर लेती हूँ। अभी थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बारिश हुई है, ये देखिए। तो अभी ये मेरा नीम का एक प्लांट है, इसको मैं कटिंग करती रहती हूँ, इसकी पत्तियाँ लेती रहती हूँ, और इसको मैं फेस पैक वगैरह बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए ये मेरे श्यामा तुलसी है। किचन कंपोस्ट में मेरा एक भी कूड़ा, मैं जरा सा भी अपने घर से जाने नहीं देती, मेरा कूड़ादान एकदम बिल्कुल खाली होता है, जिम्मेदार आता है तो उसको कुछ कूड़ा मेरे यहाँ से दिखता नहीं है। सिर्फ थैलियाँ जो होती हैं वही मैं उसको देती हूँ, दूध की कोई पैकेट्स होते हैं जो दाल सब्जी दाल वगैरह लाने के। और ये देखिए ये अनानास भी मैंने अपने हाथ में उगाया है, अनानास का प्लांट है ये, ये चल गया मेरा इस बार। एक बार पहले ट्राई किया था मैंने, लेकिन अब ये दूसरी बार लगाया तो ये चल गया है, और इसको मैंने अच्छे से बड़ी कैरी में लगा दिया है। देखते हैं इसमें क्या, कहीं 3-4 महीने इसको हो गए लगे हुए। ये अरवी के पौधे लगे हैं, इसमें से मुझे अरवी निकालनी है। ये अरवी के पत्ते अब मुझे लग रहा है सारे मुरझा गए, तो इसका मतलब ये अब हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अभी पीछे मैंने अपनी हल्दी ग्रो हार्वेस्ट की थी, उसकी वीडियो मैंने बना के डाली थी। ये मेरी कसूरी में थी, और कुछ पालक के पौधे लगे हुए हैं। ये क्यारी मैंने दबा लगेगा, एक टमाटर का पौधा ये है, ये देखो कितना हेल्दी है। ये कोलियस का प्लांट